ओ अनन्तभाभेदि भरलि भलि अनन्तनाय निक्षेपे ਸਕਲ ਜਗਤਹੀਤ ਕਾਰੀਣੀ ਹਾਰੀਣੀ ਮੋਹ ਤਾਰੀਣੀ ਭਾਵਬਦੀ ਮੋਕਸ਼ ਚਾਰੀ ीतेणे जी गुरुराजताणि जी तेणे जामीणस्वसिद्धे जाणत्तम कवि दधि संसारी दस दस दो दो यजिणे दस दो अणुपेण तत्व विचार में श्रीमद्भगवत कुंद कुकुंदाचार्य विरचित श्री वारस अणुविखा सतशास्त्र धर्म भावना का अनुचिंतन चल रहा है उसमें मुनि धर्म उसके दस अंग उसमें से अंतिम अंग है ब्रह्मचर्य उसकी विचारणा उसकी चिंतन करते आधी आधी लाइन बोल मितेश भैतावन भाव से तो गाथा अस्सी पाना नंबर नाइंटी फाइव ए सी अस्सी एटी स्वगम् पेच्छन्तो स्वम् पेच्छन्तो इत्थीणं तासु मुयदीरदि भावम् इत्थीणं तासु मुयदीरदि भावम् सोभम्भेर्भावम् सोभचेरभावम् सुखदि खलु दुद्धरम् धरदि सुख कदि खलु दुद्धरं धरदि सौवङ्गम् पेच्छन्तो सौवङ्गम् पेच्छन्तो तासु तासुमुयदिरदि भावम् इत्थीणं तासुमुयदीरदि भावम् सोभवचेरभावम् सोबह्चेर भावम् सुख्रिखलु दुद्धरम धरदी सुख्रिखलु दुद्धरम धरदी सुख्रिखलु दुद्धरम धरदी सुवसाते यह सववंगँ पेच्छन्तो इद्धिनंता सुमदिरदी भावं सोबम्हचेर भावं सुख्रिखलु दुद्धरम धरदी सर्वांग देख कर भी वनिता जनों के होते नमोग्ध उनमें मुनि है अनोखे तो ब्रह्मचर्य व्रत धारक वे रहे हैं कंदर दर्प अपहारक वे रहे हैं સર્વાંગ દેખી પણ જે વીતા જનો ના લેસ ભાવનહિ મોહતણી ઉગે જ્યાં તો બ્રહ્મચર્ય વ્રત ધારક તે બને છે અંદર્પ દર્પ અપહારક તે છે અર્થ जो पुण्यात्मा स्त्रियों के सारे सुंदर अंगों को देखकर उनमें राग रूप बुरे परिणाम करना छोड़ देता है वही दुद्धर ब्रह्मचर्य धर्म को धारण करता है बहुत सुंदर व्याख्या की जो पुण्यात्मा स्त्रियों के सारे सुंदर अंगों को देखकर ब्रह्मचर्य उसका नाम है कि ब्रह्म कहते हैं आत्मा को आत्मा का स्वभाव है विकार रहित राग रहित तो निर्विकार जो अपना चैतन्य स्वभाव है उससे वृत्ति को चलित नहीं होने देते हैं। कैसे चलित नहीं होने देते हैं वृत्ति को चलित करे ऐसा सामने निमित्त आता है तो ब्रह्मचर्य मुनियों को होता है और उसका उस ब्रह्म विकार जो है निर्विकार ब्रह्म है वो चलित वृत्ति होती है उसमें मुख्य कारण स्त्री का शरीर इसलिए स्त्री के शरीर को देख करके भी जिसमें किंचित भी विकार नहीं आते ऐसा नहीं कि वो स्त्री के शरीर को देखता नहीं कहते हैं यहां तो कह रहे सारे सुंदर अंगों को देखकर ऐसे कृपाणु देव ने भी कहा ना ने नव योवना लेश न विषय निदान नव योवना को देख करके लेश भी विषय निदान मतलब ये मुझे प्राप्त हो ऐसा किंचित भी उसको होता ये मुनि पहली बात तो वो स्त्री को स्त्री के रूप में देखते ही नहीं है गणे काष्टनी पुतली ते भगवान समा। भगवान है साक्षात भगवान है ये छठे गुणस्थान सातवें गुणस्थान वाले मुनियों की ये दशा है अभी समझना कि ये दशा नहीं है तो हमारा वो गुणस्थान अपने गुणस्थान का पता इस प्रकार से लगता है हमारे परिणामों से अगर हमको राग भाव होता है स्त्री को मतलब किसी भी स्त्री को नहीं हो मां बहन को देख करके नहीं होता है पर जब हम स्त्री को स्त्री के रूप में देखते हैं तब होते है। इसलिए अपने सब जगह रिश्ते बना लेने के संबंध बनाएंगे तो फिर अन्य संबंध का विकार नहीं चाहेगा हम संबंध नहीं बनाते इसलिए अन्य संबंध का विकार जागता है इसलिए अपने तो अच्छा है गुजरात में बहन बधा बहन बहन छे कि बा छे के है, दो ही रिश्ते अपने पर वो अंदर से बाहर से मुनियों के तो वो सुख गया है विकार भाव है वो सुख गया है क्यों तो उस निर्विकारी भाव में इतना आनंद है कि विकार जागता है तो ऐसा लगता है जैसे सारा आत्मा जल रहा है जलन पैदा होती है अंदर से ऐसी तरंग उठती है और उस तरंग से इतना जलन पैदा होती है इसलिए थोड़ा सा भी नहीं रह सकते जैसे अपन अग्नि में कितनी देर तक हाथ रख सकते हैं तुरंत ले लेते हैं। ऐसे अगर कोई तरंग उठ भी गई किसी कारण से तो वो केवल तरंग रूपी रहती है वो संजुलन है संजुलन कशा अभी मुनि के बाकी है नहीं है, ऐसा भी नहीं है तो वो वो भाव है वो पानी में रिकी खेत तो वो रेखा खींचते ना तो कितनी देर रहती है जैसे खींचेंगे वैसे ही मिटती जाती है ऐसे ही कोई तरंग उठ भी गई तो वो तरंग तुरंत समाप्त हो जाता तरंग आगे नहीं दशा कोई स्त्री कितने भी लटके झटके करें उनको कोई फर्क पड़ता उनको लगता है नाटक है फलतु में नौटंकी कर रही है ऐसे नव वार्ड सहित ब्रह्मचर्य को पालन करने वाले महात्माओं के चरणों में कोटी कोटि नमस्कार इसके पहले के गुण स्थानों में इस प्रकार का ब्रह्मचर्य नहीं होता चौथे पांचवे गुण स्थानों में आपके वृत्ति चलित हो जाएगी और वृत्ति चलित हो ही जाएगी इसलिए अगर आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो आपको उन निमित्तों से दूर रहना ही चाहिए सावधानी रखनी ही चाहिए पहले के गुण एक बार सिद्ध हो गया ब्रह्मचर्य फिर आप चलित नहीं फिर आप हजारों लाखों की भीड़ में देवांगनाओं के बीच में रहे ना तो भी आप चलित नहीं पर वो आगे के गुण स्थान अभी ये नीचे के गुण स्थान है उसमें सावधानी हटी और दुर्घटना हटी इसका मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप अस्वाभाविक हो जाओ बहुत बार ऐसे होते हैं ब्रह्मचारी वगैरह वो इतना अस्वाभाविक हो जाते हैं कि वो पता नहीं महिला को देखते हैं तो क्या देख लिया ऐसा लगता है उनको जैसे पाप की गठरी आ रही है ना और भूकंप आ रहा है प्रलय आ रहा है अग्नि की ज्वाला आ रही है ऐसा लगता है उनको उनके साथ सहज व्यवहार किया जाए अपने किसी का क्यों नाम लेने का अपने सामान्य सिद्धांत काम का किसी की बात नहीं कर रहे अपने भी सब, सब की बात कर रहे हैं ना अपन अभी किसी ने ब्रह्मचर्य का नियम ले लिया इसलिए अब महिलाओं की तरफ नजर दिखनी चाहिए हो कुछ भी दिखना नहीं चाहिए कि ऐसे नहीं जी सकेंगे आप सामान्य व्यवहार करें हम घर में रहते हैं अपनी मां को आते ही आंख बंद कर लेते अपन अपनी बहन दिख जाए तो आंख बंद कर लेते हैं पड़ोस में कोई मां बहने दिख गई तो अपन आंखें बंद कर लेते हैं हम आंखें बंद बाजार में जाते हैं तो आंखें बंद कर लेते हैं आंखें बंद करने की कोई जरूरत नहीं सात्विक भावनाएं रखा और इसलिए तो अपने समाज में जब वो ऊंची अवस्था नहीं है मुनि की तब तक अपने यहां विवाह की व्यवस्था विवाह करो बाकी सबके प्रति मां बहन बेटी बस ये तीन ही रिश्ते बचते हैं अब अब कोई रिश्ता बचता नहीं अपने यहां फ्रेंड वाला कोई रिश्ता नहीं है ये नया आया है पता नहीं कहां से आया है <laughs> फ्रेंड बनाते हैं अपनी पत्नी के अलावा कोई बाकी सब या तो आपकी मां हो सकती है वो या तो वो आपकी बहन है या वो आपकी बेटी है बड़ी है तो आपकी मां है और अपने समान है तो अपनी बहन है और बहुत छोटी है तो वो अपनी बेटी जैसी ये तीन ही प्रकार की दृष्टियां अपनी होनी चाहिए फ्रेंडशिप नहीं फ्रेंडशिप का मतलब अभी आप गोल्ड गोल्ड मामला चल रहा है आप कुछ भी रिश्ता संबंध स्थापित कर लोगे उसके साथ तो हमको स्पष्ट रहना चाहिए इस मामले तो ये रिश्ते मैं एक घटना घटी हूँ मेरे साथ बताता हूँ मैं कॉलेज में मुझे पता नहीं आजकल वो संस्कृति आ गई हम गांव में रहते थे हमको गांव में उदयपुर गया तो मेरी जो कॉलेज थी वहाँ से हमारे चार किलोमीटर हमारे हॉस्टल थे ऑटो तो से आना जाना करते थे कभी गाड़ी से आना जाना करते थे तो हम वापस लौट रहे थे एक मैं भी ऑटो में बैठा है मेरे साथ एक मेरा मित्र था और तीन जगहों के बैठ तीन जनों के बैठने की जगह थी एक एक आगे वाली सीट पे भी चार बैठे चार जने बैठे अब वो बहन तो आगे बैठ नहीं सकती एक हमारी कॉलेज की एक लड़की थी जानते नहीं थे तो वो पहले से बैठ करके के आ रही थी तो अब हमको भी बिठाना तो छोटे वाले को तो मैंने उनको कहा कि दीदी दी आप थोड़े आगे खिसकेंगे हम इधर बैठते हैं अब उसका चेहरा लाल पीला हो गया तो मुझे भी समझ में नहीं आया यार प्रॉब्लम क्या है इसको मैंने इतना बड़े प्रेम से कहा फिर वो मेरे मित्र को जानती क्योंकि वो मेरे से सीनियर थे ए बी सीनियर फिर हम हम भी उतरे वो भी उतर वो भी उतर आगे के स्टेशन के। तो फिर मैंने मित्र को पूछा कि वो उसका एक मैंने जैसे ही ऐसा कहा तो उसका एकदम से अलग से चेहरा बन गया और ऐसा क्यों किया उसने गुस्सा क्यों कर रही थी तो उन्होंने तेने तूने ना ना उसको दीदी कहा मैंने कहा बुरा क्या कहा तो आजकल लड़कियां हैं वो ऐसे गाली मानती हैं हाँ कि कोई दीदी कह दे ना तो हमको गाली दे दी मैं तुम्हारी दीदी थोड़ी होती हो आप बहन नहीं कह सकते किसी को फिर मैंने बताया वास्तव में वो ऐसा सोचती हाँ वास्तव में ऐसा सोचती है अभी मैं बात कर रहा तेरे ये हालत सात्विकता पसंद नहीं है मुख्य वस्तु अभी का समाज बहुत बाहर जाओ ना तो बहुत अधिक ऐसा इसलिए फ्रेंड वाला रिश्ता है फ्रेंड कौन होते हैं लड़की लड़की की फ्रेंड होती है पुरुष पुरुष का फ्रेंड होता है लड़के ऐसे फ्रेंडशिप वैसे नहीं होती और मित्रता हर रिश्ते में पर आपके मित्रता का रिश्ता क्या है यह बताओ पत्नी भी मित्र है मां भी मित्र है बहन भी मित्र है बेटी भी मित्र है पर आपकी मित्रता का संबंध बताओ पहले स्पष्ट करो मित्र तो सब है सब एक दूसरे का हित चाहता जो हित चाहता है वो मित्र है वो तो सब है पर उस मित्रता का संबंध स्पष्ट किया जाए आप कौन से मित्र हैं आप मम्मी मित्र हैं कि पप्पा मित्र हैं कि बहन मित्र हैं कि के केवल मित्र है बस हमारे रिश्ते का कोई नाम नहीं है तो ऐसा नहीं चलता भारत में नहीं चलता बाकी सब जगह चलता है बाकी तो बिना नाम के रिश्ते ही चलते हैं सब जगह इसलिए दृष्टियां फिर इसलिए विवाह करते हैं विवाह इसलिए करते हैं अनेक जनों के प्रति दृष्टि वो जो थी वो आपकी एक के प्रति हो जाएगी आप बड़े कितने बड़े संयम में आगे बढ़े विवाह कितनी अच्छी बस इसका मतलब यह नहीं कह रहे होना चाहिए पर जो वास्तव में 99 नाइन परसेंट के लिए तो यही व्यवस्था है उत्तम व्यवस्था और ये तो काल दोष के कारण से ये ब्रह्मचर्य वगैरह व्यवस्था है वास्तव में तो पहले तो ऐसा सारे तीर्थंकर नियम से ग्रस्त होते ये जो पांच बाल ये है ना पांच बाल युत के पूजा ये एक अपवाद है इस हुपणी काल के कारण से पांच तीर्थंकर हैं वो बिना विवाह किए ही घर छोड़ दिया ये इस काल दोष के कारण से ये आइडियली व्यवस्था नहीं है आइडियली व्यवस्था है पहले ब्रह्मचर्य आश्रम होगा पढ़ाई लिखाई होगी फिर आपके गृहस्थ आश्रम होगा फिर वानपस्थ आश्रम होगा फिर सन्यास आश्रम होगा ये एक आइडियल ही व्यवस्था है ये काल देश काल के अनुसार नई नई व्यवस्थाएं बनती है। अभी इतना अधिक माहौल खराब हो गया कि हम घर में रह करके नहीं कर सकते वो सारे इसलिए फिर शादी नहीं करके हम टाइम नहीं निकाल पाते हैं ना शादी की तो कमाई करनी पड़ी कमाई करने तो फिर बच्चे भी पैदा होंगे हम समय नहीं निकाल पाएंगे इसलिए एक नई व्यवस्था बनाई ब्रह्मचर्य की बाकी या तो आप मुनि होंगे या गृहस्थ होंगे ब्रह्मचर्य नाम की कोई तीसरी श्रेणी होती गृहस्थ होंगे वही ब्रह्मचारी होंगे पर विवाह करके होंगे सातवीं प्रतिमा घर में रहते रहते ही सातवीं प्रतिमा में वो ब्रह्मचारी होता है पति पत्नी साथ में रह रहे हैं पर वो पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें तो। पति पत्नी के संबंध तो रहेंगे पर सातवीं ब्रह्मचर्य प्रतिमा होती है बाकी ये जो वर्तमान में विवाह नहीं करना और मुनि भी नहीं बनना और गृहस्थ भी ये बीच की व्यवस्था नहीं ये देश काल के अनुसार हुई है ये आइडियली व्यवस्था ना तो ये गृहस्थ है ना पूरी तरह से मुनि पर जो भी है जैसा भी है ठीक है अच्छा है किसी से चल रहा है भी सारा एक बीच की व्यवस्था अपने तो यहां येन केन प्रकार विकार समाप्त हो ये बात है तो ये सब अभ्यास है नव बाढ़ वचनामृत में है इसमें पचनामृत लाओ वार्ड का मतलब होता है कि उस जगह पर अपने को थोड़ा बाउंड्री कर दी अपने कौन सा है कौन सा पार्ट है शिक्षा पाठ शिक्षा पाठ सेवन थ्री के आसपास है बत्तीस हाँ शिक्षा पाठ सिक्सटी नाइन उसमें नव वार्ड बताए ये पहले है वस्ती वस्ती का मतलब होता है जहां स्त्री रहती है वहां पर रहना नहीं आसपास जहां बहुत सारी स्त्रियां वगैरह रहती हैं तो वहां पर नहीं रहना किसको साधु को मुनि को नहीं रहना क्यों क्योंकि स्त्रियों का जो आसपास रहना वो उसका प्रभाव भी उससे भी वृत्ति चलित होने की संभावना रहती इसलिए पहले के साधु दूर ही रहते थे जंगल में ही रहो बस इसलिए फिर है कथा स्त्रियों की कथा का मतलब वार्तालाप करना कोई अकेले स्त्री के साथ मुनि वार्तालाप नहीं करेंगे दो तीन बैठे हो तो कोई दिक्कत दो स्त्रियां हो और एक साधु हो तो कोई दिक्कत नहीं परंतु अकेली स्त्री के साथ कोई साधु बात नहीं करेंगे एक। क्योंकि अकेली स्त्री के साथ बात करने में कहीं न कहीं वृत्ति अपनी चलित हो सकती तीसरा है आसन जहां पर स्त्रियां बैठती हैं उस आसन पर नहीं बैठना चाहिए और जो लगातार कोई स्त्री यूज करती है किसी आसन का उस पर तो बैठना ही नहीं चाहिए क्योंकि उस शरीर का उस स्त्री का भाव वगैरह वो सारा सारा उसमें सम्मिलित होता है वाइब्रेशन सबके हो ऐसा बन जाता है इंद्रिय निरीक्षण स्त्रियों के अंगों पांगों का बहुत चाव से निरीक्षण करना फिर कुड़ियांतर कि जहां पर स्त्री पुरुष हो और बीच में केवल एक ही दीवार हो अथवा अच्छा पर्दा लगा हो ऐसी जगह पर जहां इनकी आवाज आती हो उनके क्रियाकलापों का पता चलता हो ऐसी जगह पर नहीं रहना उनकी आवाज वगैरह नहीं आनी चाहिए पूर्व क्रीड़ा जो पहले गृहस्थ दशा में रह करके काम भोग किए थे उनको याद नहीं करना पहले घूमने जाते थे न, ये करते थे न, वो करते थे न, सब स्त्रियों के साथ पत्नियों के साथ करते थे तो उसका स्मरण नहीं करना वो पूर्ण पूर्व क्रीड़ा फिर प्रणित जो भी कामोत्तेजक पदार्थ है उसका सेवन नहीं करना दूध दही घी ये सब उत्तेजनाएं ज्यादा पैदा करते हैं तो इनका मर्यादा में सेवन करना क्योंकि ये अंदर वृद्धि करने वाले वीर आदि की फिर अति मात्रा आहार अधिक मात्रा में आहार नहीं करना उससे भी इंद्रियों को उत्तेजना मिलती है इसलिए अपने यहां उपवास उपवास ब्रह्मचर्य में सबसे अधिक सहायक ब्रह्मचर्य की साधना करने वाले के लिए उपवास और उणोद्री तप ये जो आहार के जो बाहर छह तप बताए ना उसमें उपवास उणोदरी और रस परित्याग ये ब्रह्मचर्य की साधना के लिए बहुत अच्छे इसलिए पेट भर के नहीं खाना रसीला खाना नहीं खाना वश्रेष्ठ रस त्याग ऐसा है इसके अति वृष्ट इष्ट वृश का मतलब होता है गरिष्ठ आहार तो उसमें ये प्रणीत में सारे गरिष्ठ आहार आ गए और इष्ट में जो अपने को अच्छे लगे गरिष्ठ तो नहीं है पर अपने को प्रिय लगे ऐसा आहार का ऐसा करेंगे तो हम ज्यादा खा लेंगे वैसा भी नहीं खा विभूषण स्नान विलेपन पुष्प आदि ये ब्रह्मचारी को इसका उपयोग करना नहीं चाहिए ये साधु के लिए इसलिए साधु स्नान नहीं करते हैं, फूल मालाएं नहीं पहनते हैं, वगैरह सब प्रकार से ये ब्रह्मचर्य की नववाड़ कहलाती एम भगवंते नववाड़ विशुद्ध ब्रह्मचर्य माटे कही छे બહુદા એ તમારા સાંભળવામાં આવી હશે પરંતુ ગ્રસ્તાવાસ ગ્રસ્તાવાસમાં અમુક અમુક દિવસ બ્રહ્મચર્ય ધારણ કરવામાં અભ્યાસીઓને લક્ષમાં રહેવા અહીં આગળ કંઈક સમજણપૂર્વક કહી છે કોબી બ્રહ્મચર્ય પાલન કરને કા સબસે અચ્છા તરીકા ક્યાં હંમેશા આપને જ્ઞાન ધ્યાન મેં ને રહો मस्त्रो व्यस्त रह यह सबसे अच्छा पहले जो व्यस्त रहता है रुचि जब आत्मा में नहीं लगती है ना प्रशस्त कार्यों में नहीं लगती है तो ऐसे उल्टे सीधे कार्यों में जाती और कभी भी ऐसे साधनों को अपने पास रखो ही मत जिससे वृत्ति चलित हो उनसे दूर ही रहा और मुख्य बात है कि अपने शांत निराकुल स्वभाव में रहने का प्रयत्न इससे उससे रुचि कम हो यह सब जबरदस्ती के सौदे हैं कि हमारे अंदर जब तक ब्रह्म का रस नहीं आता है आत्मा का रस आता नहीं है प्रशांत रस तब तक हम जो भी ब्रह्मचर्य का पालन के प्रयत्न करते हैं उस प्रयत्न में क्लेश है क्योंकि रुचि तो है और जबरदस्ती आप वृत्ति को रोक इसलिए बहुत बार ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति ब्रह्मचारी बन जाता है साधु भी बन गए पर अभी जहां रस आना चाहिए ना ब्रह्म का शांत रस आनंद सहजानंद वो तो आता नहीं और वहां रोक रखा उसने वहां जाना नहीं अब जीवन में ऐसा कि अब अभी वो धोबी का कुत्ता न घर का ना घाट का ऐसी हालत हो जाती और फिर उल्टे उल्टे रास्तों से जीव इसलिए पहले अभ्यास किया जाए फिर साधु बना लिया जाए को जब अभ्यास हो जाएगा हाँ भाई अब अब ये बीमारी हमारे से दूर अब नहीं होगी कभी किसका अभ्यास किया जाए अपने शांत निराकुल स्वभाव में रहने का अभ्यास किया जाए वो रस अपने को आ जाए तो बाकी सब रस फीके पड़ जाएंगे फिर हम सहज त्याग हो जाएगा फिर हमको बचना नहीं पड़ेगा बच जाएंगे ऑटोमेटिक अपने को धीमे धीमे इसका अभ्यास करने का प्रयत्न पर बहुत अधिक डिप्रेशन में नहीं आ जाने का बहुत लोग ब्रह्मचर्य को डिप्रेशन में आ जाते शोक को माने तो आवा आवा भाव आ जिस भूमिका में वैसे भाव आएंगे और बहुत से लोग तो डिप्रेशन में आ जाते हैं और बहुत से लोगों के फिर दूसरे प्रकार का कषाय आ जाता उस एक वृत्ति को तो रोक लेते हैं और दूसरी वृत्ति क्रोध क्रोधी हो जाएंगे अभिमानी हो जाएंगे क्योंकि वो निकलेगी ना कषाय आपके दूसरा प्रकार से थोड़ा सा भी कुछ भी हो गया तो एकदम उत्पटांक स्वभाव होगा जैसे अंदर से वो आग होती है ना अग्नि के जैसे हो जाते हैं अग्निदास जैसे वो एक कोमलता खत्म हो जाती जीवन तो अपनी सहज कोमलता इसलिए जब तक आत्मा का आश्रय नहीं होता है ना तब तक ये कोई भी व्रत होना वो सारे के सारे व्रत वास्तव में क्लेश पैदा करने वाले होते सही समझ सही वैराग्य और सही आत्माश्रय के बिना जो लिए गए हैं उन सब में कहीं न कहीं व्यक्ति को यूं लगता है कि ये मेरे लिए बंधन है मैं बंध गया ऐसा लगता है और सही दिशा पकड़ी उसने और सहज आत्मा का आश्रय लिया तो ये सब चीजें इतनी सहज हो जाती क्यों आवश्यकता नहीं हमारी कमी की पूर्ति हो रही है ना हमको क्या चाहिए कोई भी अव्रत कोई भी विपरीत आचरण करना हमको किस लिए करते हैं हम सुख के लिए करते आनंद पाने के लिए ही तो करते हैं अपन कुछ भी कोई भी गड़बड़ करते हैं हिंसा करते हैं चोरी करते हैं झूठ बोलते हैं व्यभिचार करते हैं और भी परिग्रह करते हैं कुछ भी वो सब किस लिए करते हैं अपन प्रसन्न होने के लिए करते हैं। ये करने से मुझे सुख मिलेगा और अगर वही सुख आपको पहले से ही मिल जाए तो फिर क्यों करेंगे रामजी और सीता जी के साथ यही हुई जब सीता जी दीक्षा ले रहे थे उस समय राम जी को यूं हुआ क्या सीता के साथ अभी थोड़ा समय और भोगो भोग किया जाए तो अच्छा है इसलिए उनको बड़ी तकलीफ हो रही थी उस समय सीता जी को वैराग आ गया मैंने दुनिया देख ली भाई आपने अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझ जैसी निर्दोष स्त्री का त्याग कर दिया आपको भी देखा भाई आपका प्रेम भी देखा सबका स्वार्थी प्रेम है राम ने सीता जी का त्याग क्यों किया अपनी अपकीर्ति से बचने के कि मेरे को और मेरे कुल को इसके कारण से कलंक लग रहा है त्याग कर दिया प्रेम का रहा आपके ऊपर जब आपकी कीर्ति के ऊपर कुछ आया तो आपने बेचारी निर्दोष स्त्री का त्याग कर दिया तो राम को कहा कि हमने दुनिया देख ली अच्छी तरह से दुनिया ऐसी ही है जब अपने ऊपर आती है सबको अपना ही सुख प्रिय है मेरे साथ भी इतने सा, इस समय तुम इसलिए थे कि तुमको उससे सुख मिल रहा था आज मुझ आज मेरे से तुमको सुख नहीं मिल रहा है आज मैं तुम्हारे दुख के कारण हो गई तो मेरे को निकाल दिया राम भी संसारी तो थे हालत सब यही ये, ये वस्तु व्यवस्था है ये वस्तु व्यवस्था ऐसी जब तक तो कोई पदार्थ हमको सुख देता तब तक तो हम उसको रखते हैं नहीं तो नहीं रखते हैं। तो राम जी को बड़ा खेद हुआ बहुत रोने लगे सारे ने प्रलोभन दिए पर सीता जी का वैराग दृढ़ था वो चली गई अब उनके वापस राग जाएगा वो ही सीता अभी तो देखो राम उसके लिए रो रहे थे सीता के लिए अभी हालत ये उनकी अब वही राम कितने दृढ़ होते और वही सीता वापस पिघलती कि जब वो स्वर्ग का इंद्र बनी और फिर वापस उसको यूं आ गया राम के साथ और थोड़ा समय बिताए तो अच्छा पहले राम बिताना चाहते थे वो नहीं बिताना चाहते उसको अब था अब उसको फिर यू विकल्प हुआ कि राम जी तो ध्यान लगा के बैठे और अभी श्रेणी चढ़ेंगे और इनकी मुक्ति होगी तो मैं फिर संसार में उनके बिना संसार में रहने का कोई अर्थ ही नहीं है इसलिए इनको विचलित किया जाए कि ये एकाद भव और करे हमारे साथ इसलिए वो सीता का रूप लेकर आया वो इंद्र सोलवे स्वर्ग का प्रतिनिधि और उसने सारे प्रलोभन राम को दिए उस समय कि मैं वास्तव में पहले गलत थी आपने कहा था कि तुम दीक्षा मत लो अभी तो बहुत समय बाकी है अपने साथ साथ राजभोग करेंगे धर्म भी करेंगे सब करेंगे जल्दबाजी कर दी मैंने आप सही थे अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है इसलिए अभी आप ये ज्ञान ध्यान छोड़ो और मैं भी छोड़ती हूं और अपन दोनों वापस गृहस्थ आश्रम शुरू करते हैं अब राम अब राम बराबर स्थिर हो गए हमने दुनिया देख ली भाई हम तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाए पर तुमने हमारी नहीं मानी देखो पहले सीता गिड़गिड़ा रही थी राम नहीं मानी राम ने छोड़ दिया फिर सीता ने राम को छोड़ दिया राम जी गिड़गिड़ा रहे थे यहां सबको अपने अपने हिसाब तो हिसाब से ही तो कर रहे हैं सब कौन किसकी कर रहा है बताओ राम ने अपनी करी जब उनको पसंद नहीं था तो निकाल दिया सीता ने अपनी करी जब राम के प्रति वैराग हो गया राम ने गिड़गिड़ाए बिचारे रोए उन्होंने नहीं माना मुझे दीक्षा ही ले ली सब अपने अपने ही कर रहे हैं आज मैं तेरे ऊपर कैसे विश्वास करूं तू तो कल को यह कहेगी कि नहीं मेरे को तो वापस मन भर गया है तुमसे इसलिए इस जगत में किसी का विश्वास ना किया जाए उसको सुख मिलता है तभी अपने लिए अच्छी अच्छी बातें मीठी मीठी बातें करते हैं अपना साथ भी तब तक निभाएंगे तब तक उनको सुख मिलता है ये वस्तु व्यवस्था समझ लेनी चाहिए नहीं तो हम दुख पाएंगे हम आश्रय ढूंढते रहेंगे कोई यहां किसी का आश्रय नहीं सब अपना सुख ढूंढ रहे हैं और बहुत प्रयत्न किया सीता जी के जीव ने पर राम डगमग न हो गए उन्होंने अच्छी तरह से अब वस्तु तत्व पकड़ में आ गए और भगवान बन गए इसमें कोई क्रमबद्ध पर्याय कुछ नहीं है इसमें ये वस्तु व्यवस्था है तो जब व्यक्ति के अंदर अनुराग के भाव होते हैं ना तभी वो सामने वाले पे पिघलता है हमको यूँ लगता है कि मैंने चलो यार ये इतना कहते हैं तो इनकी बात मान ली जाए यार कोई बात हूँ तो घना बदा ना मैंने कहीं लगन करने की इच्छा नती पर घर वाला छे एट बोलो खेच खेच कर एट मैं कर लेना भाई तो ये गलत बात है आपको थी अंदर बस उसका बहाना मिला थोड़ी कम थी अंदर अंदर ही रहा करती थी बहुत अधिक नहीं थी पर वो थी तो अंदर निषेक पड़े होंगे तभी तो राग जागेगा ना अंदर अंदर वो सत्ता में पड़े हुए हैं तो राग जागता है इसलिए जब तक अपने अब्रह्म के भाव द्रव्य कर्म के रूप में पड़े हैं तब तक अपने को सावधान रहना चाहिए क्योंकि जैसे ही वो नौकर में मिलेगा वो अंदर सत्ता में पड़े हुए निशेख उदीरणा को प्राप्त हो, और स्त्री पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष ये नौकर में उसके जैसे ही सामने आएंगे आपको अपना वो भाव पैदा हो जाए जो आपको स्त्री दिखती है वो अगर आपको कोई स्त्री नहीं दिखती है तो कोई दिक्कत नहीं आपको कोई भाव होंगे इसलिए हमको दृष्टि बदलने का प्रयत्न करना चाहिए बहुत अधिक तत्व ज्ञान इसमें नहीं चलता है अपनी भूमिका में हो आगे की भूमिका में तो सब जीव है देह आदि के प्रति अभेदता है आगे की अवस्था शरीर ही तो है ये ये भी पुद्गल है और ये भी पुद्गल है आगे की दशा में ऐसी अभेद दृष्टि पैदा हो जाती है पर नीचे की दशा में वो अभेद दृष्टि जब तक नहीं रहे तब तक सावधान रहना चाहिए उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? वृद्ध लोगों के साथ रहो ब्रह्मचारियों को हमेशा वृद्ध लोगों के साथ रहना चाहिए मुझे यह बात बहुत पसंद बड़े बूढ़े लोगों के साथ भाव पवित्र रहते अपने जसों के साथ रहेंगे तो चंचलताएं बढ़ेगी निश्चित रूप से बढ़ेगी वृद्ध सेवा वृद्धों की सेवा की जाए ये बड़ी अच्छी कोई संभावना ही नहीं बचेगी आपकी बहुत सरल तरीका है आपको कि वृद्ध किसके पास रहे <laughs> वृद्ध हो गए तो फिर तो वो स्फुर्णा ही नहीं होती है ये तो जो युवा हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा वृद्धों की संगति में रहना अपने समवयस्कों की संगति में कम रहना जहां एक दूसरे समवयस्क लोग होते हैं ना वहां कुछ न कुछ ऐसी स्फूर्णएं होगी फिजिकली नहीं होंगे तो मानसिक तो होगी इसलिए सावधान रहने का और सबसे फिर और तो बच तो कहाँ सकते हैं अपने किसी से बच नहीं सकते नहीं बच सकते हैं तो फिर संबंधों को ठीक करो किसी भी दृष्टि से कोई स्त्री अपने कोई स्त्री लगे ही नहीं वो स्त्री या तो अपनी माँ लगे या बहन लगे या बेटी लगे तो इतना अच्छा संबंध बना लो आप ब्रह्मचारी के लिए सबसे अच्छा संबंध किसी को मां बनाने का छोटी बच्ची को भी मां बना लिया अच्छा तो समस्या सब समाप्त हो जाती क्योंकि बच नहीं सकते और हम रूखा सूखा व्यवहार भी नहीं कर सकते ऐसे थोड़े अब ऐसे नीचे झुक के चलोगे हमेशा आंख बंद कर लोगे ऐसे ऐसे करके बैठे रहो कोई बहन आपके साथ बात कर रहे ना वैसे करके बैठे रहो ऐसा थोड़ी आपको सच स्वाभाविक रहना चाहिए क्या है क्या हो जाएगा ये बताओ देख लो क्या हो गया ऐसे अपने ऊपर विश्वास रखो ना विश्वास अपने को अपने ऊपर रहना तो बैलेंस हमेशा बनाना चाहिए ब्रह्मचर्य बहुत उत्तम साधना है सभी साधनाओं का आधार है ये ब्रह्मचर्य की साधना पर वो बड़ी कोमलता के साथ होनी चाहिए वो बहुत ही साहजिक होनी चाहिए जबरन जो जबरन होती है उनको क्या होता है कि भीतर वासना रह जाती है अंदर और बाहर से ऐसे कड़क कड़क नियम ले लेते हैं फिर जीवन भर वो अंदर अंदर वासना चलती रहती है उसको तिरियंज गति का आश्रय और वो उसके निरंतर चला रहता त्रियंज गति क्योंकि त्रियंजों का ऐसा स्वभाव है कि उनकी हमेशा वासना चलती है चिरिय चौक को खाने का भोग करने का ये हमेशा चलता है चौबीस घंटे वो करेंगे थोड़ा समय वासना निरंतर चलती उसकी वृत्ति वहीं के वहीं रहती है क्योंकि वहां ध्यान आदि का कोई विधान नहीं है उस वृत्ति में हमारा जन्म होगा उस वृत्ति वाले बनेंगे चिरंज इसलिए सावधान हो करके रहनाचर्य पद के साथ अंत मंगल क्यू ब्रह्मचर्य न पद आम ओगन पचास हां डोगरेजी महाराज क्या कहते थे हां पर थोड़ा सा बहुत प्रैक्टिकल नहीं है क्या थे निरखि ने नौ ई शिक्षा पाठ से शिक्षा पाठ से 49 49 कृष्णा ने विचित्रता से सामान्य से इसके आसपास चलो अपन ऐसे ही गाते हैं याद आ जाएगा थर्टी फोर हम्म

आ सगा संसारमणीनाय करुगीत्यागु बधु केवल शोक स्वरु एकविषयने जीतता जितोसौ संसार नृपति जिता जिति दळ्पुरने अधिकार विषयरूप करी टे ज्ञान ने ध्याीरा पाने जम विशुद्ध थी धरे शियळ सुखदा भव ते नो लवचिर तत्त्ववचन एभा सुन्दरशिय सुरतरु मनवाणी ने दे जनरनारी सेवशे फल लेते। पात्र बिना वस्तु न रहे पात्रे आत्मिक ज्ञान पात्र थवा वो सदा ब्रह्मचर्यचर्य ब्रह्म जावाणी के ज्ञान से सुझेलो कालो लो सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तू हे जिनवाणी वारती तो हि जपो दिन जो तेरा शरणा लहे सो देव भजो अरिहंत को गुरु सेवो निर्ग्रह दयाधर्म सा यही मोक्ष कामस्कार शांति शांति श्या जय श्र